हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु हम आपका धन्यवाद करते कि आपने सुबह से लेकर अभी तक संभाला है, तो आगे भी संभालेगा। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। कितने लोग खुश हैं आज। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। प्रभु का तारीफ करें, प्रभु का धन्यवाद करें। जो इतनी सारी गवाहियां आ रही है, जो इतना प्रभु अद्भुत काम कर रहा है, तो जितना आप कितनी सारी गवाहियां सुन रहे रोज, तो प्रभु आपको भी प्रभु गवाही से ब्लेस करने जा रहा है। प्रभु का धन्यवाद हो। सचमुच में जब प्रभु में रह के जब आप फैसला लेते हैं, प्रभु में रह के भले हमें हानि उठाना पड़ता है, थोड़ा दुख झेलना पड़ता है, और उन चीजों से हम अलग होकर जीवन बिताते हैं जो संसार, क्योंकि प्रभु ने हमें संसार में से अलग कर लिया है। जब हम संसार में से अलग होकर जीवन व्यतीत करते हैं, प्रभु में होकर जीवन व्यतीत करते हैं, तो सचमुच में प्रभु ब्लेसिंग्स करता है, प्रभु अनुग्रह देता है। हम उन लोगों के समान बात नहीं करते, उन लोगों के समान हम मजाक नहीं करते, उन लोगों के समान नहीं करते, क्योंकि जो ये सारा जो संसार है, ये दुष्ट के वश में पड़ा है, और ये शैतान क्या कर रहा है, वो चला रहा है। लेकिन वो जो संसार है, वो दुष्ट के वश में पड़ा है, और वो तो पाप पे तो गिरे हुए, और उनके लिए तो वो रास्ता अलग है। लेकिन प्रभु के लोग हैं, हम लोग हैं, जब परमेश्वर के लोग हैं, विश्वासी सेवक हैं, सभी लोगों के, तो शैतान उन लोगों के ऊपर नजर करता है कि कैसे भी इन लोगों को परमेश्वर के प्रेजेंस से दूर करें। हालेलुया। और आज हम ऐसे देखते हैं कि बहुत सारे जो मसीह में तो आ चुके, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती है उनके जीवन में, वचन की नॉलेज, वचन का ज्ञान ना होने की वजह से क्या हो जाते हैं, वो थोड़ा पीछे हट जाते हैं, पाप कर बैठते हैं, गलत कामों को कर बैठते हैं, वचन की जानकारी न होने की वजह से। बहुत सारे लोग वचन नहीं पढ़ते, बल्कि वचन पढ़ना बहुत ही जरूरी है। उसी से हमें ज्ञान और शिक्षा मिलती है, बुद्धि की बातें मिलती हैं, तभी तो हम प्रभु में मजबूत और अड़े और खड़े हो जाते हैं। आज सबसे ज्यादा लोग परेशान क्यों हैं, क्यों अपने जीवन में सबसे ज्यादा जो प्रभु को जानते थे, पहचानते थे, लेकिन आज वो क्या बोलते हैं कि हमने प्रभु यीशु को छोड़ दिया, हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया, अब मन नहीं करता प्रार्थना करने का। क्यों? क्योंकि थोड़ी सी कोई भी परेशानी आई तो अपने प्रभु को छोड़ दिया, वो वचन आपके में बना नहीं रहा। प्रभु का वचन क्या कहता है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार, जब हम 15 अध्याय पढ़ते हैं कि तुम मुझे बने रहो और मैं तुम में बना रहा हूँ, तुम मुझे बने रहो। पढ़े उस वचन को, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय 4 वचन, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं पहला वचन में कि सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती उसे वह काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु छांटता है, छटनी करता है, ताकि और हम क्या कर सके, और फल लेने लेकर आने वाले बन सके। प्रभु इसलिए छांटता है, कहीं उसमें क्या ना उगना शुरू हो जाए, आशीष तो हम प्राप्त कर रहे, लेकिन बीच में क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ शैतान क्या कर देता है, बीज को बोल देता है, और उसमें से कटीली झाड़ी ऊंट कटारे भोगने लगती है। तो प्रभु छांटता है ताकि और हम क्या होने पाए, और फल फले। गुलाब को क्या करते हैं, छटनी करते हैं, ताकि और उसमें अच्छे पत्ते आए और अच्छे गुलाब खिले। उसी प्रकार से प्रभु में छटनी करता है, परीक्षाओं के बीच में से होकर गुजरना पड़ता है, दुख में से होकर गुजरना पड़ता है, ताकि हम प्रभु के और करीब आ सके। प्रभु हमसे बहुत प्यार करता, प्रभु को हमसे ज्यादा पता है कि हमें कौन से रास्ते में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। हम तो बस अपने आसपास के परिस्थिति को देखकर ही हम फैसला लेते हैं, लेकिन प्रभु हमारे जीवन के बारे में जानता है, उनको पता है कि हमें क्या करना चाह रहे, कोई गलत डिसीजन तो नहीं लेने जा रहे। इसलिए क्या आता है, हमारे जीवन परेशानी आती है, ताकि हम प्रभु के और क्लोज आ सके, और ज्यादा निकट आ सके। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। सचमुच में प्रभु ने मुझे पहले चुन लिया था परमेश्वर की सेवा के लिए, लेकिन उस समय मैं डरती थी, घबराती थी, अरे नहीं हो पाएगा मुझसे, ऐसा नहीं हो पाएगा। प्रभु ने मुझे छांटना शुरू किया, काटना शुरू किया, बहुत सारी कष्ट, मुसीबत, तकलीफ, बीमारियों का सामना करने पड़ा, लेकिन प्रभु मुझे लेकर ही आया। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यही चाहता था कि मैं प्रभु का काम करूं, परमेश्वर का वचन को शेयर करूं, जो मुझे मालूम है, जो प्रभु ने मेरे जीवन में अद्भुत काम किया, गवाही शेयर करूं। प्रभु का अनुग्रह के द्वारा प्रभु ने मुझे छांटा, कैसे, परीक्षाओं में, बीमारियों में, कष्टों में, मुसीबतों में, तकलीफ में होकर गई, प्रभु ने छांटा मुझे। हालेलुया, और मैं प्रभु के और क्लोज आ सकी, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। शरीर आज कितना, आज हम ज्यादा से ज्यादा आयु कितनी होती है, 60 साल, 70 साल, 90,
सौ साल ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उसके बाद असली जीवन शुरू होगा। यदि आप प्रभु में हैं, प्रभु में, प्रभु के पीछे चल रहे, पवित्रता में चल रहे, तो आप स्वर्ग राज्य में जाओगे। हालेलुया। और यदि आप प्रभु में विश्वासी तो हैं, लेकिन नाम के विश्वासी जो कि प्रभु के पीछे चलते नहीं, अपनी मनमानी करते हो, तो वो नरक। अब आपको डिसीजन करना है कि अनंत काल स्वर्ग में जाना चाहते हो कि अनंत काल नरक में जाना चाहते हो। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्थिति इसलिए प्रभु हमसे ज्यादा जानता है। हालेलुया। इसलिए हमारे जीवन कष्ट, मुसीबत, तकलीफें, परेशानी आती है, ताकि और प्रभु के करीब आ सके। प्रभु हमें नाश नहीं होने देना चाहता। प्रभु दुख होता है जब हम नाश की ओर जाते हैं, हम संसार की ओर जाते हैं, हम गलत बातों को करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, हम प्रभु को धोखा करते हैं, हम प्रार्थना नहीं करते, वचन नहीं पढ़ते, और सबसे ज्यादा हम संसार पर क्या करते हैं, सबसे ज्यादा उसको टाइम देते हैं, ना कि प्रभु को टाइम देते हैं। तो जब हम शैतान के कामों में, मतलब उस पर टाइम देते हैं और उनके से काम करते हैं, तो प्रभु को दुखित होता है। इसलिए फिर प्रभु छटनी करता है, प्रभु में वापस लाने के लिए फिर कोड़े भी लगाता है, ताकि हम प्रभु के पास फिर से हम वापस आ जाएं, क्योंकि प्रभु हमसे प्यार करता है। जिस प्रकार से बाप अपने बेटे को कैसे छोड़ देता है, पढ़ाता है इसको, स्टडी करवाता है, गलत रास्ते में जाते हैं तो उसको क्या करता है, उसका बाप, उसका पिता उसको मारता है, ताकि वो गलत काम ना करे। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु उसको सिखाते हैं, कुछ ना कुछ करके उसको लाइन में लेकर आते हैं। उसी प्रकार से हमारा परमेश्वर है, वो हमें लाइन में लेकर आते हैं, ताकि हम गलत रास्ते में ना जाए, हम भटके ना, हम प्रभु के पीछे चले, क्योंकि हमारा पिता हमसे प्यार करते हैं, तो हमें रास्ते में लेकर आने के लिए क्या करते हैं, कोड़े भी लगाते हैं, जिस प्रकार से बाप अपने बच्चे के ऊपर कोड़े लगाता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्थिति, आपका बच्चा यदि वो कुछ ऐसी चीज मांग रहा है, लेकिन आपको पता है कि अभी इसकी उम्र नहीं है, ये देने के लायक नहीं है, तो क्या आप उसे दे दोगे? यदि आपका बच्चा क्या बोल रहा है, मुझे बाइक चाहिए, और वो 12 साल 15 साल का बोलता है मुझे बाइक चाहिए, मुझे कार चाहिए, तो क्या आप उसके हाथ में दे दोगे? नहीं। आपको पता है कि ये अभी क्या नहीं हुआ है, ये इसकी उम्र अभी हुई नहीं है। हालेलुया। और मैं दे नहीं सकता कि बच्चा है, यदि चलाएगा तो कहीं ठोक देगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये आपको पता है, भली भांति पता है। इसलिए बच्चे की जिद को पूरी नहीं करोगे, चाहे जो मर्जी हो, जब नहीं दोगे तो स्ट्रिक्ट रहोगे। उसी प्रकार से परमेश्वर भी है, हमें उन रास्तों पर लेकर नहीं जाना चाहता। पहले प्रभु पहले हमें परिपक्व बनाता है, हमें प्रभु के वचन में स्थिर करता है, उसके बाद वो आशीषों को देता है। कई बार वो आशीषों को नहीं देता जो हम चाहते हैं, पहले नहीं देता, प्रभु के पीछे पीछे चलने के बाद पहले हमें परिपक्व बनाता है, प्रभु में उसके बाद आशीष देता है, क्योंकि प्रभु को पता था ये आशीष इसको मिल गई तो ये बिगड़ जाएगा। इसीलिए कभी कभी क्या होती है, हमारी आशीषों में लेट होती है, ताकि वो उस समय वो आशीषें मिलती हैं, क्योंकि जब हम प्रभु में स्थिर मजबूत हो जाते हैं। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो। थैंक यू जीसस। सचमुच में जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, पूर्ण मन से, पूर्ण धन के साथ, पूर्ण रीति के साथ, तो आप प्रभु के पीछे पीछे चलते हैं, तो प्रभु सचमुच में आशीष देता है। प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु की स्तुति हो। तो प्रभु हमसे प्यार करता है, प्रभु आपसे प्यार करता है। आज ही प्रभु के पीछे पीछे चलने के लिए फैसला लें और डिसीजन लें। प्रभु की मदद करेगा और आपकी सहायता करेगा, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु के आगे कोई कार्य मुश्किल नहीं है। परीक्षाएं, कष्ट, मुसीबत, तकलीफें हमारे जीवन में प्रभु के निकट और करीब लेकर आने के लिए आती है, और पवित्रता में जाने के लिए लेकर आती है, और प्रभु के प्रेम में बने रहने के लिए लेकर आती है। प्रभु का धन्यवाद, ताकि हम नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। आज रात्रि के समय में हर एक भाई बहन डिसीजन ले, यदि आप पाप किए हैं, यदि आप गलती किया, प्रभु को दुख दिया, तो आज अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए। प्रभु से माफी मांगिए, प्रभु जी जो भी मैंने गलती किया मुझे माफ कर दीजिए, अपने लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए। पिता परमेश्वर, आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, पिता परमेश्वर मदद कीजिए, जो भी जाने जाने में गलती मुझे माफ कर, जितने पीछे हटे लोग हैं फिर से प्रभु के पास आ जाइए, अपनी गलती को मानिए, प्रभु को बोले प्रभु मुझे फिर से नया कर दे, मुझे फिर से अभिषेक दे। पिता परमेश्वर, जितने पहली बार प्रार्थना को सुन रहे परमेश्वर की हजूरी में, आप सभी लोगों का स्वागत है। हालेलुया। जितने पहली बार सुन रहे हैं, यू आर प्रेशियस। हालेलुया। आप परमेश्वर के लोग हैं, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु ने चुना है, तभी तो आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा प्रार्थना और वचन को सुन रहे हो। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। प्रभु पर विश्वास करके देखो, प्रभु आपके जीवन में अद्भुत काम करेगा। जी, मैं भी हिंदू बैकग्राउंड से हूँ, प्रभु ने भी मुझे चुना। पहले हम यीशु का नाम को नहीं जानते थे, कष्ट, मुसीबत, तकलीफें हैं, प्रभु पर विश्वास किया तो प्रभु ने मुझे छुटकारा दिया। हर एक बीमारी से, हर एक दुष्टात्मक अटैक से, हर एक परेशानी से प्रभु ने आजाद किया। तो आप
आपको भी करेगा, विश्वास करो और प्रभु के चमत्कार को अपने जीवन में देखो। आमेन। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति आइए, प्रभु के हजूरी में आइए, परमेश्वर के प्रेजेंस में आइए। हालेलुया, धन्यवाद धन्यवाद। सभी अपने आंखों को बंद करें, प्रार्थना में जाएं। सभी लोग बोले अपने अपने पापों को मानकर छोड़ दीजिए, अंगीकार करें कि जितने भी अपने पाप किए, कितने लोगों को धोखा दिया, कितना झूठ बोला, कितना चोरी किया, गलत कितना गलत आदतों में फंसे हुए, गलत कामों को करते, नशा करते हैं। यीशु के सामर्थ्य नाम में नशे की आत्मा से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने नशे करते सभी माफी मांगे प्रभु से और आज ही छोड़ने का दृढ़ संकल्प लें, निश्चय करें कि आज के बाद मैं नशा नहीं करूंगा, आज के बाद मैं गलत काम नहीं करूंगा, मैं विचार का काम नहीं करूंगा। जितने लोग अपने पति अपने पत्नी को, पत्नी अपने पति को धोखा दे रहे तो माफी मांगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, थैंक यू जीसस। प्रभु दया करो पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ आपका घराना बचाया जाए, आपका घराना उद्धार पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ एक जन के शुक्र नाम कवर करती हूँ, आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, यीशु के सामर्थ्य नाम में हर एक परेशानी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो नशा करते हैं हर एक नशे से आजाद हो जाए, हर पापों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर एक झूठ बोलने वाली आदतों से आजाद हो जाए, बुरी आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, वे विचार की आदतों से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने भाई बहन बीमार है मैं यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते हर एक बीमारी आपको छोड़ के जाए, इसी वक्त आजाद हो जाए, इसी वक्त बीमारी आपको छोड़ के जा रही है यीशु के सामर्थ्य नाम में। शरीर का दर्द आपको छोड़ के जा रहे हैं, हड्डी की रोगों की समस्याओं को डांटते आजाद हो चुके हो जाए, आपके गले के दर्द जाए। जितने लोग हॉस्पिटल में प्रार्थना को सुन रहे इस वक्त यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो चुके हो जाए, माटी नेम ऑफ जीसस का है। आपकी हेडेक आपके डिप्रेशन की बीमारी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जिनको पीलिया है, जिनके लीवर में प्रॉब्लम है यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटती, गेट आउट इन द माटी नेम ऑफ जीसस का है। आपके पेट की रोगों की समस्या जाए, पथरी को डांटती और ग्रसोली जाए, पथरी जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, गिल्टी खत्म हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो आपके शरीर में घाव है यीशु के सामर्थ्य नाम में चंगे हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूं हर तरह के स्किन के प्रॉब्लम से आजाद हो जाए, हर प्रकार की एलर्जी से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु अपने चंगा कर दिया, प्रभु अपने ब्लेस कर दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने बच्चे बीमार हैं यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, जो चल नहीं सकते वो चलने पाए, जो बोल नहीं सकते वो बोलने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुनने धन्यवाद करती हूँ। जितने पैरालाइज्ड है यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। मैं प्रार्थना करती हूँ कमाई को हिस्से को ब्लेस करती हूँ, आपको जॉब से ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको छोटे से लेकर बड़े बिजनेस को ब्लेस करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपको रुको हुआ पैसा, आपको फंसा हुआ पैसा को रिलीज करती हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में, आपका घर बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में, जो आधा अधूरा घर वो बनने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ आपको लोन अप्रूवल के लिए जो एप्लीकेशन डाला है वो आपका अप्रूव होने के लिए प्रार्थना करती हूँ। हर एक कर्ज से आजाद हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, आप कर्ज से आजाद होने जा रहे हैं। प्रभु के लिए मददगार को भेज रहे, मदद कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया, मिरेकल को देखोगे अपने जीवन में, आप आजाद हो रहे। आपको जमीन का जो केस चल रहा है, कोई भी केस चल रहा है, आजाद हो रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु को विजय दे रहे यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती हूँ भाई बहनों लोगों के लिए जिनके शादी शुदा जीवन में गड़बड़ी चल रहा है, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते आजाद हो जाए इन द माइटी नेम ऑफ जीसस का। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु अपना छुटकारा दे दिया, प्रभु जी मैं धन्यवाद करती हूँ, ब्लेस करती, मैं धन्यवाद करती हूँ। हर एक जन को यीशु के नाम में कवर करती हूँ, यीशु के सामर्थ्य नाम में आजाद हो जाए, हर प्रकार की बीमारी, हर प्रकार की समस्याओं से आजाद हो जाए। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति। जिन लोगों का कोरोना पॉजिटिव है यीशु के सामर्थ्य नाम में डांटते जाओ, चंगे हो जाए और आप बेस्ट रिजल्ट और निगेटिव रिपोर्ट के साथ वापस यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक गुप्त प्रॉब्लम से आजाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती हूँ आपका गर्भ का फल ब्लेस हो, जितने मिसकैरेज है मैं डांट और मिसकैरेज नहीं होगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। बेबी ब्लेसिंग के साथ आपको ब्लेस करती हूँ सामर्थ्य नाम में। प्रभु का वचन कहते हैं कि परमेश्वर आपके वंश को बढ़ाने जा रहा है। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। आपका रुका हुआ काम बनने लगे और चलने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर प्रकार की बिजनेस का आपको ब्लेस करती हूँ। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। जितने लोग परमेश्वर के राज्य के लिए बीज को बोते हो, दशमांश निकालते हो, प्रभु को 100 गुना प्रतिफल दे, फल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती हूँ। हालेलुया, जल्द आने वाले उसको तैयार कीजिए और आज भी आपका आगमन होने से सभी समय में बदल जाना चाहिए। आज इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र से मांगते हैं, कबूल कर लीजिए पिता। आमेन। सभी बोले हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो। तो आज की प्रार्थना को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें और प्रार्थना करवाने के लिए जो नंबर दिए गए विश्वास के साथ प्रार्थना करें, गवाही देने के लिए जो व्हाट्सएप नंबर दिए गए से आप अपनी गवाही को शेयर करना न भूले। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, थैंक यू जीसस। तो आप अपनी भेंट अपने दशमांश को गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू भेज सकते हैं। मिनिस्ट्री के प्रार्थना करें, जमीन के आशीष के लिए प्रार्थना करें कि प्रभु मुहैया करके देना चाहिए। हालेलुया, मिनिस्ट्री के लिए जितना प्रेयर वगैरह के लिए, टीम के लिए, मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, सभी के लिए प्रार्थना करें ताकि और हम ज्यादा से ज्यादा काम कर सके, लोगों को बचा सके और सिद्ध बना के परमेश्वर के राज्य में उपस्थित कर सके। और आप अपनी भेंट अपनी दशमांश आप गूगल पे, पेटीएम के थ्रू, फोन पे के थ्रू दे सकते हैं। प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष दे। और आज शाम को 7 बजे प्रभु के नाम की महिमा के लिए जो एक वर्षीय जो सुंदर से गीत है आप
सुनिएगा और आशीषित होंगे शाम को 7 बजे ठीक 1 घंटे बाद। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु में सदानंदित रहे, प्रभु को आशीष दे और आगे बढ़ाए। और जब गीत को सुनोगे तो आप सेम नहीं रहेंगे और आशीष पाओगे। और शेयर करना नहीं भूलना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और प्रभु में सदानंदित रहे। आप सभी लोगों को जय मसीह की। सभी बोले हालेलुया।